हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं यूनियन बैंक में अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है वो भी ऑनलाइन अपने फोन से कैसे कर सकते हैं तो इसी विषय में मैं बात करने वाली हूँ। और डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेगा, तो अभी जहाँ पे भी जाइएगा तो आपको बैंक में बोलेगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के लाइए, तभी आपको बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो उसके लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसको आप फ़ोन से भी बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं, तो अभी मैं अप्लाई कर सकती। तो अभी मेरे पास पीसी है, तो पीसी में भी सेम मेथड है और फ़ोन में भी सेम मेथड है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहां से डायरेक्टली इस लिंक पर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर चले आना है, किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आप इसको ओपन कर सकते हैं वो लिंक को क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, तो आपको यहाँ पे प्लस है माइनस है जो बोलेगा। अब तो अभी मेरा 5-2 है, तो इसको मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देती हूँ। उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका डिटेल्स यहाँ पे सब कैच कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए उनका नाम जब सब आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम एंटर कर देना है। मदर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आएगा, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर करना है, एकदम ठीक से एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर कर देना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेट से आप। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस ब्रांच, तो आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है उसी ब्रांच को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए एड्रेस एंड अदर डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में है, उसी एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे एंटर कर देती हूँ मैं अपना एड्रेस। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिक बिल है तो वो भी एड्रेस वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दी। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन आपका स्टूडेंट है या लॉयर है या रेंटल है या पॉलिटिशियंस है या कुछ और, आप जो है जो काम करते हैं वो उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो कोई है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप कहाँ से इनकम आता है। उसके बाद न्यू वर्थ आपको यहाँ पे लेस देन भी कर सकते हैं, अबोव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ क्या है आपका, कहाँ इंडिया क्या बाहर देश क्या है, मेरा तो इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया एंटर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइड में देखिए नेचर एक्टिविटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना है, तो मैं यहाँ पे नन पर ही सेलेक्ट करती हूँ। और तो मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड, मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड, अगर सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉमिनी डिटेल्स, तो आपका नॉमिनी कौन है, किसको रखना चाहते हैं आप, उसी को यहाँ उसी उन्हीं का नाम एंटर करना है, ठीक से नाम एंटर कीजिएगा। उसके बाद वो आपका कौन लगते हैं, मदर फादर सॉन डॉटर जो जो लगते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस क्या है, अगर आपके एड्रेस से उनका एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उनका एड्रेस कैच कर लेगा। अगर नॉमिनी 18 साल से नीचे है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पर ही रहने दीजिएगा। अगर आपका नॉमिनी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं अपने पासबुक में तो यस कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ATM, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, चेक बैंकिंग, क्या आपको इश्यू कराना है उसी हिसाब से आप इश्यू करा सकते हैं। टिक कर देना है आपको यहाँ पे। अगर आप कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच या आपका डिलीवरी लोकेशन पर ही आप रिसीव करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बारी है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर फोटो, तो आपको फोटो का साइज रखना है 20 से 50 KB के अंदर, तभी आपका यहाँ पे अपलोड होगा। और सिग्नेचर भी 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना रेडी करके रख चुकी हूँ फोटो, तो इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपलोड करने के बाद ये देखिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद कस्टमर सिग्नेचर, तो उसको भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए सिग्नेचर सेलेक्ट करते अपलोड पर क्लिक कर देना है। 100 KB के अंदर बना लेना है डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट साइज को। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं यहाँ, या फिर और कुछ है आपके पास प्रॉपर्टी बिल या पेंशन पेमेंट कुछ भी यहाँ पे कोई भी एक दे सकते हैं। उसके इसका भी साइज 100 KB के अंदर ही होना जरूरी है बिल को। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल पर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही या देखिए आप थैंक यू योर डाउनलोड एप्लीकेशन, आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन अपना डाउनलोड करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ पूरा प्रोसेस। तो ये देखिए मेरा एप्लीकेशन फुल डाउनलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है बैंक में। तो आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है यहाँ पे देखिए, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। चार फॉर्म है, चारों फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक फोटो यहाँ पे चिपका लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और डेट एंड प्लेस यहाँ पे एंटर कर देना है, पेन से लिख देना है मतलब। उसके बाद आपको इसको प्रिंट आउट करा लेना है और नज़दीकी ब्रांच में इसको प्रिंट आउट करके और आधार कार्ड पैन कार्ड जेरॉक्स लेके जो आदमी है उनको जाना है। और जो फ़ोन नंबर लिंक था आपके आधार कार्ड में उस फ़ोन को आपको लेके जाना है आपको साथ में उस ब्रांच में। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक OTP आएगा, उस OTP के द्वारा आपका वो बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आपके साथ साथ आपको बैंक पासबुक और ATM साथ में मिल जाएगा। यूनियन बैंक का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, तो आपको कोई झिझक नहीं है। डायरेक्ट आप फ़ोन से इजीली आप ये फॉर्म भर के ये प्रिंट आउट आप जाके कोई कैफे में भी जाके करा सकते हैं। सेम प्रोसेस कंप्यूटर से भी है, सेम प्रोसेस आपका फ़ोन से भी सेम मेथड है। बस एक ज़रूरी है फ़ोन नंबर लिंक होना आपके आधार कार्ड में। तो इतना ही प्रोसेस है गाइस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और कमेंट कीजिएगा किस किस को मेरे वीडियो से हेल्प मिला हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और किसी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक भी कमेंट करेंगे ना मुझे जरूरी है वीडियो बनाना मुझे लगेगा, तो मैं एक कमेंट के लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक कमेंट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एक कमेंट के लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अगर जरूरी है आपको वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।